तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू जय एडिटिंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का आईफ्रेंड फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग सिंपल तरीके से इस फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो गाइस, आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, अपने मोबाइल पर स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद प्लस आइकन में जाके आप लोग जिस फोटो को एडिट करना है उसको आप लोग ले लीजिए। मैं भी अपना मॉडल, अपना इमेज ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाने के बाद आगे चलते। तो ये रहा हम लोग का इमेज दोस्तों। तो इसको सबसे पहले हम लोग पोस्ट साइज में क्रॉप करते हैं। उसके लिए पेंसिल आइकन चलना है, क्रॉप वाला ऑप्शन चलना है और 5:4 में क्रॉप कर लेना है दोस्तों। जाने के बाद दोस्तों, अब जहाँ पर डार्क है उसको हम लोग थोड़ा ब्राइटनेस लाने वाले हैं। उसके लिए पेंसिल आइकन में चलते हैं, उसके बाद सेलेक्टिव ऑल टूल में चलते हैं, वहाँ पर जाके यहाँ पर डार्क है वहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद दोनों हाथों से पंच करके इसको छोटा करेंगे, रोशनी दिखेगा रेड कलर का। उसके बाद ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, स्ट्रक्चर को भी। तो दोस्तों, इतना यही काम। प्लस आइकन में जाके एक बार जहाँ पर डार्क है वहीं पर एक बार और कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपने चेहरे में दाग धब्बे को मिटाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए चलेंगे पेंसिल वाला आइकन में, हीलिंग वाला टूल में। उसके बाद अच्छे से जूम कर लेते हैं दोस्तों। अब जहाँ पर दाग धब्बा फिलिंग है, सब दाग गड्ढा है, उसको ऐसी ब्रश कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो फास्ट कर लेते हैं, इतना हो जाने के बाद आप लोग को राइट क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, हम लोग इमेज अपने मॉडल को गोरा करने वाले हैं। तो उसके लिए आप पेंसिल आइकन में चलते हैं, उसके बाद ब्रश वाले आइकन में चलते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर एक्सपोजर में चलते हैं, उसको 0.7 पे ही रहने देते हैं। उसके बाद अपने मॉडल के चेहरे पर पोत लेना है दोस्तों, अच्छे से ब्रश चला लेना है। तो चलिए फास्ट कर लेते हैं, दूसरे जगह ना हो जाए, ब्लैक ग्राउंड में ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको आइस का आइकन बन रहा है, उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इतना देख के अब इसको ओके करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग अपने मॉडल को स्मूथ करने वाले हैं और आप लोग देखिए। उसके लिए पेंसिल वाले आइकन पे चलते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर डिटेल्स वाले ऑप्शन में चलते हैं, स्ट्रक्चर को 100% माइनस रखते हैं। तो हम लोग का ब्लैक ग्राउंड इमेज पूरा स्मूथ हो जाएगा देखिए, और उसके शार्पनेस को 100% बढ़ा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद ओके करते हैं। उसके बाद आप लोग को ऊपर में आइकन दिख रहे हैं, उसमें चलना है। तो वहाँ जाने के बाद आप लोग व्यू एडिट में आ जाना है। व्यू एडिट में आने के बाद आप लोग को डिटेल्स वाले ऑप्शन जाना है, उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन में आके उसको जूम करना है अच्छे से। उसके बाद अपने मॉडल के चेहरे पर ही ब्रश चलाना है हम लोग को, क्योंकि उतना ही स्मार्ट और चिकना करना है। तो हो गया दोस्तों इतना। और उसके बाद दोस्तों बैक चलते हैं। अब इसको हम लोग दोस्तों थोड़ा कलर करने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं इसी आइकन टूल में, क्रप्स वाले टूल में, और फर्स्ट वाले आइकन जाके रेड में चॉइस करते हैं। रेड को थोड़ा नीचे डाउन की ओर हल्का सा रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हरा कलर को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर, हल्का सा ऊपर की ओर रखना है दोस्तों। उसके बाद फिर से चलते हैं ब्लू वाले कलर को हल्का सा रेड के ऊपर बैठा देना है। ओके करते हैं। अब इसको दोस्तों HDR लुक देने के लिए पेंसिल वाले आइकन पे चलते हैं, उसके बाद ड्रामा वाले आइकन पे चलते हैं, उस पर दूसरे नंबर पे फिल्टर स्ट्रेंथ को 90, उसको 85 रख लेते हैं। उसके बाद ओके कर लेते हैं। आप लोग का इमेज इस प्रकार दिखने लगेगा, देखिए बिफोर आफ्टर। तो गाइस, हम लोग अब ब्लैक मॉडल को फोकस लाने के लिए ब्लैक ग्राउंड को ब्लर करने वाले हैं। उसके लिए पेंसिल आइकन चलते हैं, लेंस ब्लर में चलते हैं, उसके बाद दोनों हाथों से स्क्रॉल करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद कोने में रख लेते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। इसको 50 के आसपास रख लेते हैं दोस्तों। आप लोग जितना ब्लर करना रखते हैं बैकग्राउंड को उतना रख लीजिए, 50 रखो। उसके बाद ऊपर से आइकन में चलेंगे, उसके बाद व्यू एडिट पे चलेंगे, उसके बाद लेंस ब्लर में, उसके बाद ब्रश में। तो उसके बाद बैकग्राउंड को ब्रश कर लेना है। तो सॉरी दोस्तों, आपके तो फटाफट ब्रश कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का इमेज तैयार हो गया। अब इसको हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन ले जाते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्रीसेट का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको इंपोर्ट कर लीजिए लाइटरूम में। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, ये रहा हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गए, ये रहा इमेज। तो दोस्तों जो प्रीसेट बोल रहा हूँ उसको आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है। तो ये रहा हम लोग का प्रीसेट, देखिए ये रहा। तो दोस्तों इसको आप लोग को ऊपर से 3 आइकन्स में चलना है, उसके बाद कॉपी सेटिंग में चलना है, उसके बाद राइट करना है, उसके बाद पहले वाले इमेज में आना है, उसके बाद आने के बाद 3 डॉट पे जाके इसको पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो इमेज आप लोग का पेस्ट हो जाएगा बिफोर आफ्टर देखिएगा दोस्तों। तो आपको ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट, फिर मिलेंगे नया कॉन्सेप्ट नया डेस्क, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों इसको सेव कर लेते हैं और